हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज निरंजन शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन टाइम। आज के वीडियो में हम लोग परफेक्ट टेंस को कवर करेंगे। ओके, पिछले वीडियो जो मेरा था टेंसेस का, उसमें मैंने सिंपल या इनडेफिनेट टेंस जो होता है वो, और कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस का वो मैंने एक्सप्लेन किया था। ये वीडियो उसी का पार्ट सेकेंड है, इसमें भी प्रेजेंट टेंस के बारे में ही बात होगी। जो दो टाइप्स बचे हैं, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव, उसे हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। प्रेजेंट टेंस ही था, नंबर सी होगा इसका परफेक्ट टेंस। ओके, परफेक्ट टेंस में भी जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो भी टेंस हम लोग पढ़ेंगे उसे हम लोग थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बेसिस पे उसके फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे, तब हम लोग का वो कवर हो जाता है। तो इसमें भी स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस से। मैंने बताया था तीन होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा परफेक्ट टेंस के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, यहां पे हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव हो गया है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन हैज रेड अ बुक। ओके, मोहन हैज रेड अ बुक। एक और लिख लेता हूं मैं, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा आपको इजी होगा। यू हैव गॉन टू स्कूल। ओके, अब देखो ये सब्जेक्ट है, मोहन एंड यू सब्जेक्ट हो जा रहा है। उसके बाद हैज और हैव में से हमें एक लिखना है, तो मैंने इसमें हैज लिखा है, इसमें हैव लिखा है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, और ये जो है ये गो का है, मैं यहां लिख दे रहा हूं v1 v2 v3 गो का होता है, v2 वेंट होता है, और v3 होगा गॉन। तो v3 मुझे लगाना था गो के लिए, तो मैंने गॉन लगाया हुआ है। ओके, हैज और हैव का जो यूज है वो मैं यहां लिख दे रहा हूं। हैज हम कब कब यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट में नेम रहेगा, ही शी इट रहेगा, या फिर कोई सिंगुलर नाउन होगा। ओके, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होगा तब हम लोग हैज लगाते हैं। हैव के यूजेस हैं, हैव तब लगता है जब सब्जेक्ट में आई हो, वी हो, यू, दे या कोई भी और प्लूरल हो, तब हम लोग हैव लगाते हैं। तो यहां देखो मोहन क्या है, मोहन एक नेम था, तो देखो नेम्स के साथ क्या लगता है, हैज, मैंने हैज लगाया हुआ है। वर्ब थर्ड क्या होता है, रीड का, रीड का रीड रीड रीडी होता है, लेकिन हम लोग उसे रीड रेड रेड पढ़ते हैं, प्रोनाउंस थोड़ा सा अलग करते हैं। ओके, मोहन हैज रेड अ बुक। ओके, सेकेंड वाला हो जाता है यू के साथ। देखो यू के साथ हम लोग क्या लगाना है, हमें हैव लगाना है। तो यू हैव, गो का वी थर्ड होता है गॉन, गॉन उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है मैंने। ओके, सो ये आपका असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला और एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने बताया था कि हम लोग को बस नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। ओके, हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज और हैव, इसके पीछे नॉट लग जाएगा, तो हम लोग का स्ट्रक्चर हो जाएगा, देखो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट आ जाएगा, उसके बाद पूरा वैसा ही वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट आ जाएगा, देन वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। और मोहन, मोहन के बाद मतलब मोहन सब्जेक्ट, उसके बाद हैज लगेगा मोहन के साथ, देन नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है, देन वर्ब थर्ड रीड का रीडी होगा, उसके बाद आएगा अ बुक। मोहन हैज नॉट रेड अ बुक। ओके, ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वाले को भी चेंज कर लेते हैं। यू हैव नॉट आ जाएगा, यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल। ओके, हेल्पिंग वर्ब मेरा हैज और हैव था दोनों में,
उसके जस्ट बाद जस्ट पीछे मैंने नॉट लगाया हुआ है तो वो मेरा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ओके, नंबर थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में मैं फिर से बता रहा हूँ कि दो टाइप्स के होते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है एक, और एक हेल्पिंग वर्ब्स वाला होता है। तो टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब्स वाला ही पढ़ना है। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सामने ला देंगे तो वो मेरा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और लास्ट पे फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क आता है। तो इंट्रोगेटिव का कोई फॉर्मूला देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव, ओके, क्या करना है, हैज और हैव, जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है वो फ्रंट में आ जाएगा, हैज और हैव, फिर जितना अभी बचा है वो उसी ऑर्डर में रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जांपल चेक कर लेते हैं इसका। हैज मोहन रेड अ बुक क्वेश्चन मार्क। सेकेंड वाला भी चेंज कर लेते हैं। हैव यू गॉन टू स्कूल। ओके, सो दिस बिकम्स द इंट्रोगेटिव टेंस। अब ये परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। परफेक्ट टेंस जो है वो सेंटेंस में कब यूज होता है, ओके, ये सारा कुछ जो यूजेस है टेंसेस के वो मैंने बहुत पहले समझाया हुआ है। एक वीडियो है, आप क्लास 8 के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो टेंसेस करके दो तीन वीडियोस हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर करके तीन वीडियोस हैं, उसमें मैंने क्लास 8 के बुक से सारे यूजेस समझाए हैं। आप यूजेस को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे जो सेंटेंसेस हैं ये किस जगह यूज होगा। ऐसे में पैराग्राफ राइटिंग में, लेटर राइटिंग में हैज और हैव का बहुत मिस्टेक्स होता है, तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा आप उस वीडियो को देखें। उन सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप क्लिक करेंगे तुरंत वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो ये परफेक्ट टेंस हो गया। अब हम लोगों को करना है परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ओके, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, परफेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, लास्ट है परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं इसे। तो इसमें आप सिंपली देखो कि परफेक्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा था, हैज और हैव लगाना, ओके, हैज और हैव का लगाना, ओके, और कॉन्टिन्यूअस जो था मतलब सिर्फ जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहे हैं। ओके, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, वो दोनों मिक्स होकर आ जाएंगे और एक हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेरा बी डबल ई एंड बीम, ये आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, स्ट्रक्चर इसका देख लो, सब्जेक्ट रहेगा, हैज और हैव रहेगा साथ में, उसके बाद आ जाएगा बीम जो मैंने बताया बीन, देन वी वन आई एन जी जो कॉन्टिन्यूअस में था, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस बिकम्स द स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, असर्टिव सेंटेंस जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, सब्जेक्ट रहेगा, देन हैज और हैव, उसके बाद बीन, देन वी वन आई एन जी, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही मोहन वाला, मोहन के साथ क्या लगाया था हमने, हैज लगाया था, यहां भी हैज रहेगा, हैज के बाद बीन ऐड करना है। ओके, बीन, देन वी वन आई एन जी, रीड था मेरे पास तो ये रीडिंग हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट था अ बुक। ओके, सो देखो सब्जेक्ट आ गया यहां पे मोहन, हैज और हैव में से हमने हैज चुना है क्योंकि मोहन क्या है, एक नेम है, नेम के साथ हैज लगाना होता है तो हमने हैज लगाया है। बीन जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, ओके, बीन लगाया है मैंने, फिर वी वन आई एन जी मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, रीड है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आई एन जी, रीडिंग, अ बुक जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट। ओके, दूसरा एग्जांपल भी देख लो, यू हैव, यू था, यू हैव बीन गॉन था मेरे पास, ओके, वर्ब थर्ड था तो गॉन का वर्ब फर्स्ट क्या होता है, गो, गो के साथ हम लगाएंगे आई एन जी तो वो गोइंग हो जाएगा, यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल। ओके, ये आपका हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। ओके, यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल, दिस इज डन। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। ओके, तो यहां पे अब मेरे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमेशा फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही नॉट लगाया जाता है कहीं पर भी,
कोई भी टेंस होगा जब मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा उसका वीडियो जब बनाऊंगा या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें भी आप देखोगे कि फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही नॉट लगाया जाता है। स्ट्रक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बता रहा हूं। ओके सीरियस, सब्जेक्ट आएगा देन हैज और हैव, इसके तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, देन बीन आएगा मेरा, उसके बाद वी वन आई एन जी, देन एट लास्ट द ऑब्जेक्ट। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि हैज और हैव के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा तो वही मैंने लगाया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। मोहन हैज नॉट बीन रीडिंग अ बुक। ओके, मोहन हैज नॉट बीन रीडिंग अ बुक, ये हो जाएगा मेरा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। ओके, सेकेंड वाला भी चेंज कर लेते हैं। यू हैव के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। ओके, ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब वाला हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो मेरा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है बस उसी को आगे लेके जाना है, बीन जो है वो सेंटेंस के बीचों बीच रहेगा। तो देखो यहाँ एसर्टिव है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एसर्टिव सेंटेंस में ही हैज और हैव के सब्जेक्ट के जगह के साथ रिप्लेस कर देंगे। ओके, हैज और हैव आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। ओके, तो देखो यहां से मैं मैच करके कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। हैज और हैव लिख दिया, ओके, सब्जेक्ट लिख दिया, इन दोनों जो है ट्विस्ट कर दिया मैंने दोनों के जगहों को। ओके, उसके बाद जो सारा सेंटेंस है वो वैसे ही रहेगा, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, बीन है, बीन के बाद क्या है, वी वन आई एन जी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, देन एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी वन आई एन जी ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं। ओके, हैज मोहन बीन रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड वाला भी कर लो, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल। तो दिस बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, इसी के साथ आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। फॉर्मूलास, स्ट्रक्चर्स जो भी हैं इस वीडियो में और प्रीवियस वीडियो में, जो भी आपको डाउट समझ में आता है आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करें। वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हम लोग पास्ट टेंस को कवर करेंगे। ओके, प्रेजेंट के मेरे चारों कंप्लीट हो गए हैं, अब मुझे पढ़ना है पास्ट टेंस। ओके, तो पास्ट टेंस होगा नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।